हाँ चीज लगा हुआ हम किस बात आइए इसमें जाते नहीं है नहीं हम भी क्यों कमाली लाकर ताला लगाए हुए हैं बताइए साहब कौन उसका भूसा निकलवाया भूसा तो निकलवा दिया लेकिन फिर गए तो देखते हैं फिर भूसा रखे हुए हैं माने ये स्थिति है और इसका वातावरण कैसे हो ये तो बड़ा मुश्किल वाला विषय लगता है और खास करके गरीब लोग जो है दो घंटे बाद उनके लिए एक चीज है स्टार्टिंग प्रक्रिया है जिसका ODF में हम लोगों को शौचालय बनवाना और उसका व्यवहार में बदलाव लाना ये हम लोग सभी का दायित्व बनता है कि एज ए प्रतिनिधि जी और अधिकारी जी का कैसे उन लोगों को व्यवहार उसके गुणवत्ता उसका लाइफ स्टाइल उसका जीवन स्तर अच्छा हो जो उसका स्वास्थ्य पर अनवांटेड साल मेहनत कमाई का पैसा जो चला जाता है साल में एक आंकड़ा कर लगा जरूर हॉस्पिटल का नहीं चला ये हॉस्पिटल का ही आकलन करके इसको निकाला गया जिसको कि व्यवहार में परिवर्तन करने का मेन है सपना घर को स्वच्छता व क्षेत्र को स्वच्छता स्वच्छता पर विशेष और इससे जो स्वच्छ वातावरण में ही मतलब स्वस्थ रहेंगे तो ये जरूर इसको मोटिवेट करें अगर कहीं दिखे इस टाइप का हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं जरूर रुक कर बताते हैं चूँकि वहीं के आपके सम्मानित ग्रामीण है उसको जरूर मोटिवेट करें कि इसको इसके रखने के लिए नहीं बनाया गया तुम्हारा उपयोग के लिए तुम्हारा पारिवारिक सदस्य को उपयोग करने के लिए बनाया गया इससे होने वाला जो बीमारी है इससे बचोगे और अनवांटेड जो मेहनत कमाई का पैसा है वो तुम्हारा बचेगा जिससे तुम अपना बूढ़े बुजुर्ग का लाभ अपना बच्चे का भविष्य शिक्षा पे पैसा खर्च होगा उसी के लिए ये सरकार के अनुसार वे पारितोषिक लाभ 12,000 रुपया दिया जाए और इसमें एक ODF के नाम पर पहला हिंसा ब्लॉक पंचायत डिक्लेयर हुआ था और इसका जो करीब करीब जितना जो समय थे हमारे आने के पहले था उनका लाभ उनका पेमेंट उसके बाद ब्लॉक कर दिया गया है कुछ टेक्निकली चलता है स्टेट लेवल में जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत चल रहा था और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अराउंड जो सर्वे हुआ है लेटेस्ट सर्वे के अनुसार यहाँ पे हिंसा प्रखंड का 10,327 कुल SPM के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान और LSBA के तहत 10,327 जिसमें एंट्री है और एंट्री अभी जो बचा हुआ है हम लोग 25 तक आदेश भी आया था सर के जिला में अभी एंट्री अभियान चल रहा है जो बचे हुए लोग हैं उनका भी एंट्री करा के इस तरह से हम लोग का 10,327 कुल यहाँ के 115 पंचायत मिलाकर ले लिया गया है और जिनका अकाउंट का जो छुटे हुए लोग हैं उनको चूंकि लॉक किया हुआ है पूरे जिला का है कुछ कुछ ब्लॉक है जहाँ पहले से बढ़िया पंचायत है उसको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जब एक साथ में डिस्ट्रिक्ट जिनका भी सहयोग से जो बनाया जा रहा है अपना निजी जमीन पर शौचालय जो गाइडलाइन है LSBA का उसके तहत बनाने में जरूर सहयोग करें और उसका सूची जो एंट्री है उसका हम लोग लेटेस्ट इसी मंथ इंडिया ये 100% लोगों का भुगतान अराउंड 7,400 लोगों का भुगतान भी उनके खाता में ही राशि भेजा जा चुका है जिसका जो है मान लिया जाए कि बना हुआ है उसको कभी भी भौतिक सत्यापन किया जा सकता है उसको तो कम से कम पेमेंट हो और जो छूटे हुए हैं मान लिया कि अभी और भी लोग बनाना चाहते हैं तो रियल से उसको बनवा के उसको पेमेंट कराया जाए लॉक खोलने की बात है वो होगा एक बात सबसे है जहाँ पर ओडीएफ के मामले में कोई ऐसी शिकायत आई है उसकी जांच वीडियो साथ जरूर कराएं और एक बात सबसे है सरकार ने निर्णय लिया था कि लाभुक स्वयं निर्माण इसमें किसी प्रकार का बिचौलिया करने स्वीकार नहीं अगर नियमों की कोई अनदेखी करता है किसी प्रकार का कहीं से कोई लापरवाही सामने आता है तो उसमें निकल करके देखिए कुछ ढाब है तो अगर व्यक्ति कार्रवाई होगा लिखा जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो सरकार की योजना गांव तक कैसे पहुंचे और कृषि योजनाएं का लाभ कैसे प्राप्त हो यह सरकार का निर्णय है और उन्हें निर्णय के आलोक में ही लाभ पहुँच सकता है उसमें किसी प्रकार की लापरवाही सूचना दिया कई ऐसे सुझाव कई ऐसे चीजें जो प्रखंड पंचायतों से उपज के संदर्भ में था राशन के संदर्भ में था जहाँ नहीं पता कटाई हो रहा है उसकी शिकायत पर उसका ग्राहक अधिकारी नियुक्त है
किस दिनांक के आगे संबंध पत्र अधिकारी को ये पत्राचार किया गया है, बैठक महत्वपूर्ण बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहे, उनका भी क्यों नहीं इनका वेतन बंद कर दिया जाए और विभाग की कार्रवाई से ये सब चीज़ों को रखना चाहिए इस ताकि इसकी महत्ता को हर हाल में शुद्ध बनाए रखना चाहिए। खूब कहने की बात बैठक इस तरह से अगर जिला पर होगा तो स्वागत पर या बाहर राज्य से बाहर रहने पर भी हम नहीं रहते हैं, हम स्वस्थ परिवार परिवार को जरूर रहते हैं। तो परिवार के बच्चे को स्वाभाविक तौर पर हम लगाएगा 11 फरवरी 19 फरवरी तक सीमा परिचय सरकार भवन है उन लोग को एंट्री नहीं किया गया, ऑनलाइन नहीं बताइए जाके हुआ ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ ऑनलाइन नहीं किया उन लोग के छूट गया था बहुत संख्या में किसान वही छूट गए कि हम फार्म जमा कर दिए, वो कहे कि वहाँ जगह नहीं